This is NDTV. And you're watching Classics. नमस्कार, हाजिर अपने खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री चले गांव में। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहती है गांव वालों की आवाज बुलंद करने की। लोकतंत्र की सबसे निचली सीढ़ी होती है गांव, और इन्हीं गांव वालों की जो समस्याएं हैं वो रखेंगे वे मुख्यमंत्री के सामने। तो आज की इस कड़ी में हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने खुद चुना है इस गांव को, समरकोट को। कुछ ही देर में वो यहां पर आने वाले हैं, तो आइए हम मिलते हैं समरकोट के गाँव में रहने वाले लोगों से। सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या ये कि हमारे पास बिल्डिंग की समस्या है जी, क्योंकि अब क्लासेस बढ़ गई जब से प्लस टू बना है, और फर्नीचर वगैरह की भी कमी है बच्चों के लिए। नीचे टाट पट्टी पर बैठना पड़ता है, और बच्चों को टॉयलेट्स वगैरह की प्रॉब्लम है यहाँ पे। शौचालय नहीं है, है तो है मगर अपर्याप्त है, कम है। समरकोट में हम मौजूद हैं यहाँ पर एक विद्यालय में, यहाँ पर लगभग 600 छात्र पढ़ते हैं, और जिस तरह से यहाँ पर हम शिक्षा के स्तर में प्रगति देख रहे हैं लगातार, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसमें बड़ी कमी महसूस की जा रही है। हम देख सकते हैं कितनी ख़राब स्थिति में यहाँ पर शौचालय है। अभी मुख्यमंत्री आने वाले हैं, उनके सामने क्या मुश्किल रखोगे अपनी? बस होनी चाहिए। हाँ जी। क्लास में कहाँ पे बैठने के लिए, जमीन पे बैठते हो कि डेस्क वगैरह है, टेबल कुर्सी है? नीचे बैठते हैं जी। ये बताओ स्नान कहाँ करती हो? आउटसाइड में खुले में? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या समस्याएं आपको आती हैं? शौचालय की भी है, रोड की भी है। गैस की सुविधा नहीं पहुंची अभी गांव में? गैस की सुविधा भी है, लेकिन वो एट अ टाइम नहीं मिलती है। हमारे सिलेंडर ऐसे खाली होते हैं, कभी आते कभी नहीं आते हैं, है ना। हमारी बिजली होती है तो उस टाइम के लिए हमारे लिए ये लकड़ी काम आती है। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि भाई पुलिस चौकी यहाँ हो जाए। पुलिस चौकी की समस्या क्यों? आवारागर्दी वगैरह पे बहुत होती है, दारू वगैरह धंधा करते हैं लोग, और उस पर अभी तक सरकार कोई रोक नहीं लगा सकी। बहुत यहाँ पे दारू की गाड़ियाँ पकड़े गई, दारू पकड़े गई, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो समरकोट के गाँव वासी हैं वो सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस चौकी होनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उस पर वो काबू पाना चाहते हैं। समरकोट के लोगों का इंतजार खत्म हुआ है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। अब वो जनसंपर्क कर रहे हैं, एक एक करके लोगों की बात सुनेंगे और उनकी समस्याओं का हल निकालेंगे। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं बच्चों के पास और जानते हैं क्या कहना है आपसे। बेटा बताइए आप क्या चाहते हैं? स्कूल के लिए मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस? हाँ जी। अच्छा, हमें स्कूल के लिए सड़क चाहिए। अच्छा, देखिए ऐसा है मुख्यमंत्री साहब, यहाँ पर शिक्षा हिमाचल प्रदेश में इतना अच्छा कर रही है, कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन साइंस नहीं है यहाँ पर, आज की पढ़ाई ही केवल होती है। तो बच्चों की गुजारिश है कि साइंस भी यहाँ पर पढ़ाई जाए। ये ठीक बात है, हम जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनके अंदर और हाई स्कूलों में भी आम तौर पर साइंस पढ़ाने का प्रावधान है,
कुछ स्कूल है जैसे इस स्कूल में शायद 10+2 में अभी साइंस नहीं है, उसकी वजह यह है कि अभी यहाँ पर स्पेस कॉन्स्टेंट था, इसमें इतने कमरे नहीं थे जिसके अंदर साइंस बने, और जिसकी भूमि भी कम थी स्कूल की, यहाँ की साइंस ब्लॉक का निर्माण किया जा सके। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि इस स्कूल से लगती हुई जो ज़मीन है उसको गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, उसका अधिग्रहण करेगी, और अधिग्रहण करके एक नया स्कूल ब्लॉक। कब तक हो सकता है कि यहाँ पर साइंस भी पढ़ाई जा सके? वो अगले सेशन से हो जाएगा, मतलब एक साल के अंदर, अगर जब नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। ठीक, बच्चों की कुछ और चाहत भी है? हमें बस चाहिए, स्कूल बस। बस चाहिए, स्कूल बस। काफी दूर दराज से बच्चे आते हैं। हाँ बताइए, आप भी? स्कूल के लिए डेस्क चाहिए। डेस्क चाहिए आपका? स्कूल बस। स्कूल बस चाहिए, आप क्या चाहेंगे? स्कूल बस। थोड़ा करके बोलिए। स्कूल बस चाहिए। स्कूल बस चाहिए। काफी दूर दराज से लोग आते हैं, बहुत सुंदर सड़कें हैं, लेकिन अभी भी उसमें इतने गड्ढे हैं, बच्चों को काफी देर तक चल के आना पड़ता है। जैसे स्कूल बसेस तो हैं, मगर शायद उसकी मात्रा कम हो, उसको बढ़ा दिया जाएगा। और दूसरी बात, जहाँ तक है इसका स्कूल में डेस्क का, आप देख रही हैं जब ये स्कूल बना था, बहुत पुराना है बिल्डिंग, ये हिमाचल से के बनने से भी पहले का स्कूल है जी। तो उस वक्त ये हाई स्कूल या 10+2 स्कूल को ध्यान में रखकर नहीं बना था, तो इसके अंदर कमरे इतने छोटे हैं, अगर इनमें डेस्क लगा दिए जाएँ तो आधे स्टूडेंट भी उसमें बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए जब नया ब्लॉक बनेगा स्कूल का, जिसके अंदर जो है 15-20 कमरे होंगे, एंड भी आधुनिक तरीके से उसको बनाया जाएगा, उस वक्त पूरा उसको फर्निश किया जाएगा जी। एक समस्या और है स्कूल से रिलेटेड, वो है मिड डे मील को लेकर। यहाँ पे मिड डे मील मिलता है, लेकिन जो अनाज होता है वो उनको रोडों से लाना पड़ता है काफ़ी दूर। तो अगर यहाँ पे स्कूल वालों की समस्या थी कि अगर पास से ही अगर उनको मिल जाए यहीं पर ही, क्योंकि आपको पता है काफ़ी दूर पड़ता है लाना ले जाना, अगर किसी को कह दिया जाए यहीं पर उपलब्ध हो जाए तो काफ़ी लोग सोच रहे थे मेहरबानी हो जाएगी। हर क्षेत्र के अंदर, हर पंचायत के अंदर लगभग एक गवर्नमेंट की उचित मूल्य की दुकान है, और ये सरकार के आदेश है, क्योंकि तहसील हेडक्वार्टर से या जिला हेडक्वार्टर से या सब डिविजन हेडक्वार्टर से सारा राशन भेजना सुविधाजनक नहीं है। हमने कहा है कि जितना ये मिड डे मील के लिए राशन होगा वो गवर्नमेंट की जो उचित मूल्य की दुकान है, फेयर प्राइस शॉप है, वहीं से लिया जाएगा। अब हम महिलाओं की समस्या का सुनते हैं, क्या है? आप यहाँ पे बहुत सालों से रह रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? क्या आप कहना चाहते हैं? हाँ जी, हम इसी गांव के हैं। हम बहुत कहना चाहते हैं कि हमारे आस पड़ोस में बहुत ये गांव, 3-4 गांव, वहाँ पर पानी नहीं मिलता, रास्ता है नहीं, बड़ी समस्या। बगीचे लग गए तो उधर की बड़ी समस्या, राजा साहब हमारे को इधर 3-4 गांव, हम पानी मिलता नहीं, खर्च लेना पड़ता। यहाँ तो सड़कों का सवाल है, बहुत सी गाँव सड़कों से जुड़ चुके हैं, जैसे आज ही मैंने 3 गाँव को जोड़ा है जो इसी पंचायत के गांव हैं, और कुछ बाकी जो है रहे हैं वो भी क्रमवत तरीके से जोड़े जाएंगे। मगर जो गांव की सड़कें हैं, पैदल चलने की सड़कें हैं, रास्ते हैं, वो तो उसको बनाना तो ग्राम पंचायत का फर्ज है, और उनको उसके लिए अनुदान दिया जाता है जी। अब पानी, जहाँ तक पानी की बात है जी, पानी के लिए एक कंसोलिडेटेड स्कीम जो है वो बनाई जा रही है। सर, हिमाचल प्रदेश इतना प्रगति कर रहा है, काफ़ी क्षेत्रों में कर रहा है, लेकिन पानी जिस तरह से है बहुत मुश्किल है। यहाँ पे रास्ते हम देख रहे हैं, पहाड़ियाँ ऊपर नीचे बनी हैं, लेकिन स्कीम कब तक, क्योंकि काफ़ी दूर दराज का इलाका है। हिमाचल प्रदेश में 16,916 बंदोबस्ती गांव हैं, जिनमें से लगभग 12,000 गांव में पानी पहुँच चुका है। बाकी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर कि पहले पानी पहुंच चुका था, मगर किसी प्राकृतिक कारणों से जो है वो जो पानी की उपलब्धता है वो कम हो गई है। झरनों से ज़्यादातर लोग पानी लेते हैं, यहां पर बता रहे थे कि हम लोग झरनों से लेते हैं। ये बेटर देन बिस्लेरी बॉटल्स, बट जब वो ड्राउट पड़ता है तो उनकी मुश्किलें हो जाती हैं। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि पहले जो है वो 100% गांव जो है कवर हो गए, उसके बाद आज हिमाचल में लगभग 6,000 गांव ऐसे हैं सारे हिमाचल में विच आर पार्शली कवर्ड, यानी पहले पानी की स्कीम थी, फिर वहां स्रोत सूख गया या स्रोत में पानी की उपलब्धता कम हो गई,
और उसकी वजह से हमको कहते हैं पार्शली कवर विलेजेस। और सरकार ने ये कार्यक्रम बनाया है, उसके लिए 500 करोड़ रुपया अलग से रखा है कि इन दो साल के अंदर जो है सारे हिमाचल में जहाँ ये 600 गांव, 6000 गांव जो कि पहले पानी से कवर थे अब पार्शली कवर हो गए बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि वहाँ पानी का स्रोत सूख गया है। आप यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, इतना बड़ा आपका स्कूल है, फिर भी आप चाह रहे थे कि बिल्डिंग बढ़े, क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री? नहीं, हमारे विद्यार्थियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही थी और साथ ही साथ जैसे आपने खुद भी पूछा, मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ 10-2 की जो साइंस की कक्षाएं हैं वो भी चले और खेल का जिस तरह से विकास हो रहा है उसके लिए एक अच्छा क्रीड़ा स्थल भी हो। विभिन्न स्कूलों में भवन बनाने का कार्यक्रम जो है वो चालू है, इसे कंटिन्यूइंग प्रोसेस चलता रहता है और सारे स्कूलों के भवन एक लग तो नहीं बनाए जा सकते, मगर इसी क्षेत्र के अंदर जो है कई भवन जो है यहाँ निर्माणाधीन है। आपने स्कूल की सारी बात कर दी सर, एक प्राइमरी हेल्थ की बात करनी है। जिन लोगों ने बोला था कि वो प्राइमरी हेल्थ में यहाँ पे हॉस्पिटल है लेकिन दवाओं की समस्या है, वो कौन बोलना चाहेगा? स्पेशली हमारे बमनोली में हेल्थ सेंटर है छोटा सा एक, वहाँ पे अगर बच्चों को कहीं चोट लगी खेल में तो वहाँ पे उनके पास फर्स्ट एड के लिए भी दवाइयाँ नहीं थी सर। ऐसा है यहाँ पे लेवल का टूर्नामेंट हुआ था सर, उस दौरान तो सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई थी लेकिन अचानक बीच में जब भी बच्चे को कोई बुखार आ गया या जाके कोई चीज़, सिर्फ एक पैरासिटामोल की गोली थी उनके पास, बाकी कोई दूसरी वाला दवाई हमारे पास है नहीं। एक होता है हेल्थ सब सेंटर, इट्स नॉट ए मेडिकल सेंटर। जी सर, हेल्थ सब सेंटर का काम है प्रिवेंटिव मेडिसन, प्रचार करना कि सफाई रखो, स्वच्छ खाओ, ये और इसी प्रिवेंटिव में बीमारी को कैसे रोका जा सकता है वह होता है हेल्थ सब सेंटर का काम। और जहाँ मेडिसन हैं दे आर इन आदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और इन हॉस्पिटल्स, वो है मेडिकल साइड। सर आपने जैसे बताया था यहाँ पे, जो आप बता रहे थे लोगों को कि जो मेडिकल का स्टाफ है उनके लिए यहीं पे रहने का इंतजाम कर दिया जाएगा, तो हेल्थ सब सेंटर की बात, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात, हाँ उसी की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे आप गांव वालों को बताइए किस तरह से यहाँ पर दवाइयाँ भी आ जाएंगी और जो लोग हैं जो रोड चले जाते हैं, क्या चुका हूँ मगर इस कार्यक्रम के जरिए। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है थोड़ा गाँव से भट कर है और जिसकी वजह से यहाँ पर डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो, क्योंकि यहाँ उनको रहने सहने की सुविधा नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो रोडों से अप एंड डाउन करते हैं रोज़। मगर मैंने उनको कहा है कि इस गांव के अंदर ही, वहाँ भी तो किराए के मकान पर रहते हैं, वो गवर्नमेंट गिव्स हाउस रेंट, तो यहाँ भी गांव में भी किराए के मकान में रह सकते हैं वो लोग। और जब तक कि सरकारी भवन बन के तैयार नहीं होते कि वहाँ डॉक्टर्स रेजिडेंस और पैरामेडिकल स्टाफ के रेजिडेंस जो है वो, उसके लिए पैसा मंजूर हुआ है और उसको निर्माण जल्दी किया जाएगा। जैसे कि मेडिसिन है, एवरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैज अ कोटा ऑफ मेडिसिन। जी, जैसे आपने बताया था बिजली यहाँ पे बहुत पहले से 1987 से ही आ गई थी, लेकिन जो खंभे हैं विंटर्स में सर्दियों में गिर जाते हैं। भाई ऐसा है, पहाड़ के अंदर खंभे जो है दरख्तों को काट कर उसके बनाए गए, गिर दिए जाते हैं। शुरू में लकड़ी के खंभे ही लगे, अब उन, क्योंकि लकड़ी के खंभे की एक उम्र होती है, हम चाहें तो फिर लकड़ी के खंभे लगा सकते हैं मगर हम वृक्षों की रक्षा करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि दोबारा हजारों की तादाद में वृक्ष जो है वो खंभों के लिए कटे। देयरफॉर गवर्नमेंट इज रिप्लेसिंग देम विद वुडन आयरन पोल्स, इसलिए है। तो ये समस्या जो है रिप्लेसमेंट की है। जैसा हमने देखा मुख्यमंत्री ने हमें सभी समस्याओं पर कई आश्वासन दिए हैं, एक ये हम आपको ये फोर्ट दिखाना चाहेंगे जो उनके दिल के बहुत करीब है, इसके पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने काफी काम किया है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे जाएंगे और आइए हम भी उनके साथ इधर भवन में चलते हैं।